तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। दोस्तों, हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है। जो जितनी मेहनत करता है वो उतना फल प्राप्त करता है, यही दर्शाती है हमारी ये कहानी, जिसका शीर्षक है मनुष्य की कीमत। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक शहर में एक लोहार अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहा करता था। उसके बेटे का नाम शिवम और बेटी का नाम लक्ष्मी था। एक दिन लोहार अपनी दुकान पे काम कर रहा था और पीछे बच्चे खेल रहे थे। चलो भैया खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। आओ मिलो सीलो सालो, भागो सीधा दौड़ लगा लो। शिवम भैया मैंने खेल रही। अजी सुनते हो? हाँ कहो। लो जी थक गए होगे, पानी पी लो थोड़ा। ओ, लाओ जी लाओ। तुम भी ना कितना ख्याल रखते हो मेरा। अरे आज बच्चे स्कूल से जल्दी आ गए? हाँ वो इनके एग्जाम चल रहे ना इसीलिए। ओहो, अरे लक्ष्मी शिवम यहाँ हो बेटा। जी पिताजी आए। और तुम्हारे एग्जाम कैसे चल रहे हैं? अच्छे पिताजी। बहुत अच्छे पिताजी। पिताजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। पिताजी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? ओ मनुष्य की कीमत? बेटा मनुष्य की कीमत आंकना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वो तो अनमोल होता है ना। पिताजी क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? हाँ मेरे बेटे बिल्कुल। तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों होती है पिताजी? ओह अच्छा रिस्पेक्ट। अच्छा बेटा लक्ष्मी। जी पिताजी। स्टोर रूम में पड़ा हुआ लोहे का रॉड लेकर आओ। तो अभी लाई पिताजी। ये लीजिए पिताजी रॉड। तो बताओ इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत? यह तो लोहे की छोटी सी छड़ है, इसकी तो 200 होगी पिताजी। बिल्कुल सही। अच्छा बेटा शिवम। जी पिताजी। अगर मैं इसकी छोटी छोटी कीले बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? तब तो यह और महंगा बिकेगा, लगभग 700 का। अच्छा, और अगर मैं इसके घड़ी के छोटे छोटे स्प्रिंग बना दूं तो? तब तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी पिताजी। ठीक इसी तरह मेरे बच्चे, मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। समझे मेरे बच्चों? जी पिताजी समझ गए। चलो मैं तुम्हें मेले घुमा के लाता हूँ बच्चों। ये, मेला जाएंगे, मेला जाएंगे। दोस्तों अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यू लेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाशक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा हुआ होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियाँ अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों आपने ये कहानी सुनी मनुष्य की कीमत। इसमें भूमिकाएं निभाने वाले विद्यार्थियों के नाम हैं मोनू खान, पिंकी सिंगला, मोहम्मद कैश, लक्ष्मी मिश्रा और प्रिया जायसवाल। धन्यवाद।